भारत को मिलेगा रूस का साथ, भारत और रूस के हाथों तबाह होंगे तालिबान और पाकिस्तान। भारत शुरू करने वाला है आर पार का वार। दोस्तों, विश्व राजनीति के आसमान में लगातार हवाई भारत की ओर चलना शुरू हो गई है। एक के बाद एक देश भारत के पक्ष में आने लगे हैं। तालिबान सरकार बनने की बात से लगातार भारत पर पाकिस्तान का खतरा बढ़ रहा है। इन सब के बीच रूस, जो भारत को छोड़कर तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा था, अब उसने भी भारत से हाथ मिला लिया है और कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान और तालिबान से सामना करने की बात कर रहा है। उधर दूसरी ओर, जैसे ही भारत ने अपने को तालिबान से अलग किया, रशिया ने भी ऐलान कर दिया कि वो भारत से अपने 20 साल पुराने प्रीत को नहीं तोड़ना चाहता है। रूस ने कहा कि वो अफगानिस्तान की एक एक नस से वाकिफ है। अगर भारत पर किसी भी प्रकार का आतंकी हमला होता है तो रूस की ताकतवर सेना भारत की जाबाज सेना के साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए मैदान में उतर सकती है। आपको बता दें कि उधर जैसे ही यह खबर पाकिस्तान पहुंची है, इमरान खान, जो अभी तक खुशी के मारे उछल रहा था, उनकी खुशियां एक पल में चकनाचूर हो गई है। रूस की खुफिया विभाग ने भारत को संकेत दिया है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर भारत पर किसी बड़े अटैक की साजिश रच रहा है। इसकी जैसे ही खबर भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस को पता चलती है, पुतिन की ओर से मोदी को पैगाम आता है कि कभी भी भारत को रूस की आवश्यकता हो तो भारत बेहिचक बता सकता है। लेकिन भारतीय सेना में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान और तालिबान को एक झटके में खाक कर सकता है। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें भारत कभी भी कमजोर नहीं पड़ा है और भारत के जवानों का आखिरी लहू का कतरा भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। उधर तालिबान के कब्जे के बाद रूस तालिबान के नजदीक आ रहा है और भारत और अमेरिका से नजदीकियां भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ रहे और रूस चाहता है कि भारत उसके साथ रहे। लेकिन यह बहुत ही समय बाद ऐसा हुआ है कि रूस इतना खुलकर भारत के सहयोग के लिए सामने आया है। अब रूस भी जान चुका है कि आतंकवाद किसी भी रूप में किसी भी देश के लिए सही नहीं हो सकता है, इसलिए अब रूस भी भारत के पक्ष में खुलकर बोलने लगा है। इस बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो रूस को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि आने वाले समय में भारत पर आतंकी घटनाओं की वारदातें बढ़ेगी और भारत परेशान होगा। दोस्तों, एक कहावत है, दोस्ती में सब कुछ जायज है, कभी रूठ जाना तो कभी मना लेना। भारत ने भी एक बार रूस को मना लिया है। उधर रूस के भारत में रह रहे राजदूत ने भी यह चिंता जाहिर की है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आगमन से इस्लामिक चरमपंथी गुटों में इजाफा होगा और अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सभी पर एक बार फिर से खतरा पैदा हो सकता है, जिसके कारण रूस चाहता है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद को ना बढ़ने दिया जाए। हम अपने खबरों में लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बड़ी डील हुई है, उसी का नतीजा है जिसके कारण तालिबान ने अपने सैनिकों को पंजशीर के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा है। पाकिस्तान ने इस बात पर तालिबान की मदद की थी कि हम तुमको पंजशीर दिलाएंगे और तुम हमको कश्मीर दिलाना। आपको बता दें कि अभी तक तालिबान को केवल पाकिस्तान और चीन ने सहयोग दिया है, जिसके कारण रूस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि यदि तालिबान भारत पर कुछ भी करता है तो रूस भारत का खुला सपोर्ट करेगा और जो तालिबान के सहयोग में आएगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। रूस के इस बयान में पाकिस्तान और चीन के लिए भी संदेश था कि अगर उन्होंने भारत पर आंख उठाकर देखा तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उधर आपको बता दें कि बांग्लादेश भी एक इस्लामिक देश है और बांग्लादेश ने भी भारत को सहयोग देने की बात कही है। यह तो आप ही जानते होंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग एक छोटा सा देश है जिसकी संबंध भारत से अच्छे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के सूचना मंत्री भी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने बताया कि जब तक भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता तब तक बांग्लादेश भी मान्यता नहीं देगा। जैसे जैसे यह कारवा आगे बढ़ रहा है, दुनिया के सभी देश भारत के सहयोग में अपने आप को रखते चले जा रहे हैं और यही बात लगातार पाकिस्तान की टेंशनों को बढ़ा रही है। उधर पाकिस्तान रूस से नजदीकियां बढ़ाने में लगा था, लेकिन इस खबर के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई है। उधर कई दिनों से पंजशीर को लेकर कई तरह की खबरें आ रही है। कभी कहा जाता है कि पंजशीर पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, तो कभी कहा जा रहा है कि पंजशीर इस युद्ध में कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन पंजशीर के दावों के आधार पर कहे तो अभी तक पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन जिस रफ्तार से तालिबान आगे बढ़ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जल्दी उसका पंजशीर पर कब्जा होने वाला है, क्योंकि तालिबान अब डबल इंजन से चलना शुरू कर दिया है। एक ओर तालिबान ने अपनी पूरी ताकत पंजशीर पर लगा दी है, दूसरी ओर पाकिस्तान भी तालिबान के सहयोग में लगातार मदद कर रहा है। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान की सेना भी तालिबान की ओर से लड़ रही है।
दुनिया पहले से ही जानती है कि पाकिस्तान कायरो की तरह केवल पीछे से वार करता है, लेकिन अभी भी पंजशीर के अहमद मसूद के शेर आखिरी लहू के कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है कि अमरुला साले के भाई की भी मौत तालिबानियों ने कर दी है। अमरुला साले का भाई भी तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था और इस लड़ाई में लड़ते लड़ते उनकी सांसें थम गई है, लेकिन उनकी मौत के बाद तालिबानियों ने उनको कब्र तक नसीब नहीं होने दी। अमरुला साले के परिवार वालों ने रॉयटर्स को एक टेक्स्ट संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों ने उनको दफनाने की कोशिश की, लेकिन तालिबानियों ने इस पर रोक लगा दी। परिवार वालों का कहना है कि तालिबान उनके शरीर को सड़ाना चाहता है। उधर आपको बता दें कि तालिबान ने अपनी सरकार का भी ऐलान कर दिया है और उसकी सरकार में कई बड़े चेहरे हैं जिनको पहले ही अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, लेकिन तालिबान की इस सरकार में एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी कर अपनी चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि पहले ही तालिबान ने यह साफ कर दिया था कि उनके मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह नहीं दी जाएगी। अब आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि जिसे दुनिया आतंकवादी मानती है, क्या उन्हीं के साथ एक कमरे में बैठकर मानवाधिकार, महिला सुरक्षा और आतंकवाद विषयों पर कैसे बातचीत शुरू हो जाती। अभी फिलहाल आपको बता दें कि कई देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता देने की कोई भी जल्दबाजी नहीं की है। उधर भारत भी तालिबान को लेकर बहुत ही चिंतित है और कश्मीर में सुरक्षा की कड़ी इंतजाम कर रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा होते ही भारत सेना लगातार अपनी सीमाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उधर बीते दिन भारत में राजस्थान के एक हाईवे पर वायुयान की इमरजेंसी लैंडिंग भी तैयार की गई है जो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटी हुई है। इस हाईवे पर भारत के लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान कभी भी इमरजेंसी होने पर उतर सकेंगे। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान सीमाओं पर किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है तो सीमा के इतने नजदीक होने पर विमान से पाकिस्तान पर कुछ ही समय में अटैक किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे प्लेनेट 4। लेकिन अभी तक आपने इसे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बहुत ही जल्द पाकिस्तान POK को लेकर गिड़गिड़ाने वाला है। भारत ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि पाकिस्तान से बात होगी तो केवल POK के विषय पर होगी। उधर पाकिस्तान लगातार POK में सैन्य उपकरण इकट्ठा करने में लगा है, जिसको देखकर भारत ने भी अपने टैंक को पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर रवाना कर दिया है। भारत के नेताओं ने जितने भी बयान दिए उन सभी में पाकिस्तान के लिए आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही राजनाथ का बयान आया था कि अब अगर बात होगी तो पाकिस्तान से वे केवल POK पर होगी। यही वो बयान है जिस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दुनिया के तमाम देशों के दरवाजे को खटखटा चुके पाकिस्तान पर यह बयान एक तमाचा